पबजी में कितने मैप है? 5। अरे बता दे सही, कौन सी गन में सबसे ज्यादा ब्रेड है? ऊपर वाला, ऊपर वाला स्ट्रेटजी। बॉयज, तो आज हम लोग फिर से जाने वाले लाहौर, क्योंकि भाई लाहौर के साथ हमारी मोहब्बत हो गई। आ रहे जा रहे कोई बात नहीं है, फिर से अभी हम लोग जाएंगे। पर इस बार सीन है कि मेरे बोन या एक्वा नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि भाई पिछली बार मेरे एक्वा ने, मेरी एक्वा नहीं बादशाह की एक्वा ने 25,000 रुपए का पेट्रोल खाया था। और अभी मैंने हिसाब लगाया, अगर मैं रिबॉन में जाऊंगा तो रिबॉन मेरा लगेगा तकरीबन 40 से 35 हजार, तो कहीं गया ही नहीं है। तो इससे अच्छा है मैं जहाज का टिकट कर लूँ, पर उसके भी पैसे नहीं है। तो इससे अच्छा है कि मैं फैसल मूवर में अकेले बोरिया बिस्तर मान के लेट जाऊँ और उधर जाके फिर उधर से सीन शुरू करूँ। तो वही अभी हम लोग निकलेंगे, सबसे पहले कैफे तक गाड़ी में उधर खड़ी करूंगा, क्योंकि हमारा एरिया सेफ नहीं है और मैं होता नहीं हूँ, तो भाई गाड़ी का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। गाड़ी हम लोग उधर ड्रॉप करेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे लाहौर। और हाँ, कैफे जाने का दूसरा मकसद ये है कि हमें जो डोनेशंस इकट्ठी हुई थी उसके हम लोगों ने पैकेट्स बनाए हुए, तो आज के दिन के लिए हम लोगों ने 30 घर जो है टारगेट किए हुए कि हम लोग 30 घर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्सल्स। तो लेट्स सी कि 30 घर हम लोग कितने देर में करते हैं और उसके बाद हम लोग निकलेंगे लाहौर, क्योंकि सुबह जल्दी 9 बजे शूट शुरू होने वाला है। यार मैंने सोचा कि रिबॉन को मारो गोली, फैसल मूवर में टिकट लेते, क्योंकि 40-50 हजार का टांग का बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे टिकट का पता कराते हैं और फिर सीधे चलते हैं कैफे पर। अच्छा तो बॉयज, यहाँ पर सीन है कि फैसल मूवर्स भाई में जो है 1 बजे वाला भी फुल है, 12 बजे वाला भी फुल है। तो यार सानिया एक्सप्रेस भी बुरा नहीं है, सानिया एक्सप्रेस में उठाते हैं, शायद उसमें कहीं मिल जाए, पर इस बाइक को हम लोग नहीं ले जा सकते, ये बाइक भाई हमारे वश में बाहर है। तो बॉयज यहाँ पर सीन सारा ओके हो चुका है, 30 जो है हम लोगों ने पैकेजेस रेडी किए। अहमद भाई ने दिखा इसमें क्या क्या है। अच्छा ये हमने इसमें रखे, साथ में ऑयल रखे, साथ में मसाले, और ये लोबिया रखा है साथ में, और चने रखे, चावल रखे। हमने सोचा था ज्यादा घर करेंगे, 100 या 150, फिर अहमद भाई ने बोला कि यार थोड़े घर कर लेते हैं पर कम से कम उनको प्रॉपर मिल जाएगा ना, तो ज्यादा बेटर है। कम से कम एक वीक, एक हफ्ते के लिए काफी है, कम से कम एक हफ्ते के लिए तो काफी हो जाएगा ना। और ये एक मोटा चावल, एक मोटा चावल, और ये अलग अलग किया, ठीक है। और क्या है इसमें? और आटा, आटा साथ में हम लोगों ने अलग से करना है। तो ये हम लोगों ने पैकेज रखा हुआ है 30 हाउसेस का, इंशाल्लाह ये प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो नहीं आएगी, बस ये इसलिए दिखाना था ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि काम चल रहा है भाई। अच्छा तो बॉयज अभी हम लोग आ गए कैफे, क्योंकि न्याजी में भी गाड़ी नहीं है, गाड़ी है सीधे नहीं है, फैसल मोर में भी नहीं है, सानिया एक्सप्रेस में भी नहीं है। हम लोगों ने डाइवो में देखी है, पर हमारे अहमद भाई को जो है डाइवो पता नहीं क्यों पसंद नहीं आ रही है, बड़े बड़े निवाले ले रहे। तो अभी हम लोग कैफे में सबसे पहले चिली ड्राई खाते हैं, अपना फेवरेट, जो कि एज यूजुअल जब भी हम लोग आते हैं सबसे पहले चिली ड्राई और फ्राइड राइस उठाते हैं। अभी इसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, 11:45 पर गाड़ी निकलने वाली है। लेट्स सी कि हम लोगों को 2000 का टिकट पड़ता है या फिर 40,000 वाले रिबॉन का टांका पड़ता है, देखेंगे। और XLI का ऑप्शन भी है, पर अगर XLI पहुंच गई तो। A few moments later, वही हालात है कि हम लोग रिबॉन से आ गए मेहरान में। हमारे अहमद भाई के काम है ना, कभी कल्टस कह रहे, कभी सिविक कह रहे, कभी सीएनजे वाला अल्टस कह रहे, सब कुछ छोड़ के मेहरान में बिठा दिया। और अभी हम लोग जा रहे हैं डाइवो में, और डाइवो का टिकट है 11:45 का। पीछे बैठा है ड्राइवर, पीछे बैठा है क्योंकि उस बेचारे का इतना अच्छा है, पर इसने बोला मैं ज्यादा तेज चला। अभी 11:45 पर टिकट है, अगर ये रह गया ना 40,000 रुपए मैंने तेरे से निकालने, समझ रहे ना। तो बॉयज 11:44 हो गए और अहमद भाई फुल शूट में जा रहे हैं, पर अगर ये छूट गया ना अहमद हवा और रहा गुरे, ये 11:45 हो गए, बस रास्ते में रोक दे। ये नहीं है अबे, ये तो मैंने फैसल मूवर सर्च किया है, डाइवो किधर है? चल उधर जा, हाँ पीछे 11:49 डाइवो एक्सप्रेस। अच्छा तो भाई अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, जैसे कि मैंने बोला था कि हमारी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं हो सकती, पर है, मुझे लग नहीं रहा था पर है। अभी अहमद भाई खड़ा है, ये दूसरी टिकट्स का पूछ रहा है, पर मुझे पता है मैं पता करा के गया हुआ था ना, टिकट्स नहीं है। अभी वही रिबॉन या फिर कहीं से अल्टस वल्टस, पर अल्टस जो है वो 35,000 से 40,000 मांग रहे, और वही हमारी गाड़ी में भी खर्चा आ रहा है। तो लेट्स सी, अभी तो टांका लग गया है, तो बस अब लग गया है तो लग गया। A few moments later, बात सुन, मैंने तुम्हें कहा था हमारी किस्मत खराब नहीं है, उधर गया दूसरा बंदा मेरे पीछे आया, वो उसको कह रहा था यार हमें टाइम चेंज करने, हमें सुबह का टाइम देना है, और ये टिकट है हमने वापस कर, और अगर ये टिकट नहीं मिलता तुझे पता मैंने क्या करना था। बात सुन तू चुप ना, मैंने तुम्हें कहा था मेरी खराब किस्मत नहीं है। अब मैंने थोड़ी देर पहले मिलेगी, मैंने कहा यार ये वैसे भी टाइम चेंज कर रहे, ये हमें 2 टिकट दे दे, हमें बहुत जरूरत है, तो 2 टिकट उठा के ले। देख मैंने 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 वीडियो में क्या बोला, मैंने कहा हमारी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है, देख बुरी नहीं है।
अच्छा तो भाई इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 2A माया के अबू ने। तो भाई 2A माया ने अपना कंटेंट चेंज किया हुआ है, वो अभी क्लचेस की वीडियोस डाल रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये पाकिस्तान में पहली पबजी फीमेल क्रिएटर है जो कि पबजी के क्लचेस की वीडियोस डाल रही होती है। मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, आप जाके उनका चैनल सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही साथ उनके चैनल पर 20 रॉयल पासेस का गिव अवे भी चल रहा है, तो भाई अगर आपने रॉयल पास नहीं लिया जाके ले आओ यार। तो भाई फाइनली हम लोग पहुंच गए, फाइनली फाइनली फाइनली। अहमद भाई कितना खुश है क्योंकि 40,000 का टंका बचा है। अबे मैसेजेस आ गए वीडियो में, खैर है ना? ना ना खैर है, कुछ भी नहीं दिख रहा था उसमें, सिर्फ आते आपके भाई ने हाई स्कोर भी बना दिया। चेक करो, जब से बस बना है तब से इतना स्कोर किसी ने नहीं किया। अच्छा तो बॉयज अभी हम लोग फैसल मूवर नहीं फैसल मूवर्स के अड्डे पर पहुंच गए और उतर गए फाइनली। कैसा सफर था? दो मूवी देखी, दो मूवी जिंदगी में पहली बार एक साथ देखी है और वापसी में वो बड़े वाले सीट ले में जो आगे है ना यार। असल में मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा है, अहमद भाई की भी काफी ज्यादा है, ये नहीं कि ये बोना है पर इसकी भी काफी ज्यादा है। तो हम दोनों के पैर ना इस तरह थे। अभी हम लोग आ गए करीम में और चलेंगे अपने पार्क व्यू होटल, होटल में थोड़ा सा स्टे करेंगे, फिर उसके बाद मैं चलूंगा शूट पे और आपको अपडेट करेंगे। हमसे कोई मिलने वाले है, कौन मिलने वाले है वो उधर जाके पता लगेगा। अच्छा तो बॉयज हमें होटल मिल गए पर चौथे फ्लोर में, इसकी हालत देख सकते हो। अभी रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से नीचे जाना पड़ेगा, चलो कोई नहीं चलते हैं बॉस। यार ये तीसरे फ्लोर पर लिटरली, अभी चेक करो आपके भाई ने कितनी खारी की है। ठीक है तो भाई अभी हम लोग 8:30 बजे पहुंचे होटल में और मेरा शूट है 10 बजे है तकरीबन। मुझे 2 घंटे मिलेंगे सिर्फ सोने के लिए। 2 hours later. अच्छा तो बॉयज अभी हम लोग नहा धो के रेडी हो गए, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए और हमारे अहमद भाई के साथ हम लोग जा रहे हैं भाई करीम में। और अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुंचेंगे बाली स्टूडियो, या पता नहीं एक बाली स्टूडियो है, बाली स्टूडियो पहुंचने वाले हैं और उधर मैं आपको मिलाऊंगा कि कौन कौन आने वाला है। अच्छा तो बॉयज यहाँ पे शूट पे पहुंच चुके हैं, हमारे पास रहीम भाई बैठे हुए अनोनिमस और साथ में मेडिक बैठी हुई है। रहीम ब्रो शूट के बाद मुझे एक 10-15 मिनट चाहिए आपके। आप सोए नहीं हो मुझे पता है पर 10-15 काफी होंगे, 10-25 10 और 15 25। क्या हो गए? गर्मी है यार। ना देर ज्यादा गर्मी था, हाँ आपको पछ तो आती है थोड़ा थोड़ा। क्या आती है? नहीं कुछ नहीं आती। आप कुछ कुछ तो आती होगी? नहीं कुछ, एक दो लफ्ज कुछ भी नहीं, वो सुनने वाले नहीं है। हेलो रहीम ब्रो चैलेंज रखते हैं, किसने फ्लिप किया वो क्या होगा? डांस करेगा, बाकी दो डांस करेंगे, बाकी दो डांस करेंगे। ये देख ये भी नाइस। ओए तो ये भाई एनोनिमस भाई को परदेसी भाई की तरफ से फ्री में कपड़े मिल रहे हैं भाई। ये देखो भूखे नंगों को मिल रहे होते हैं, बाय द वे मेरे को भी मिल रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी। ये देख फ्री के आए हैं, मुस्कान चेक करो, फ्री के कपड़े में कितनी झलक रही है, खुशी झलक रही है भाई। ये खलीफा भाई को मिल रहा है रहीम परदेसी भाई की तरफ से PS स्क्वाड के कपड़े। अब ये फाइनली कुछ अलग काले कपड़ों से अलग कपड़े पहनेगा, ठीक है, काले सूट पहन के घूमता रहता है। अच्छा तो बॉयज ओप्पो के शूट में हमारी मेडिक इनके साथ एक सीन हुआ था, मेडिक बताओ जरा क्या हुआ था? यार एक्चुअली हुआ ये था कि हमारा पैन फाइट था TDM में और ना प्रेडिटर हमेशा मेरा पैन चोरी कर लेता था, तो मैंने सोचा कि गेम एंड होगा ना तो मैं इसको एक टाइटल दूंगी। तो मैंने जब गेम एंड हुआ मैंने सबको बोला रुको रुको मुझे प्रेडिटर को टाइटल देना है, सब मेरी तरफ देख रहे थे कि हाँ जी मेडिक टाइटल दे रही, तो मैंने बोला कि मुझे टाइटल देना है पैन चोर। मैंने बोला पैन चोर, सारे चुप सारे देख रहे हैं। कोई नहीं कोई, नेक्स्ट टाइम ये टाइटल किसी को नहीं देना। वही कहा था जो तुम समझे हो, वही कहा था वही। नूसा में कोई तीन
जगहों के नाम बताओ। लूजा का क्या मतलब है? न्यू मैप में कौन सा बॉल अवेलेबल है टू प्ले? पीच बॉल। पबजी में कितने मैप है? 5। अरे बता दे सही। कौन सी गन में सबसे ज्यादा ब्रेड है? लूजा में शॉटगन का क्या नाम है? NA-2000। पबजी में कितने स्पेलिंग है? 4। लूजा में एलिवेटर वाला कौन? अच्छा तो बॉयज अभी हम लोग यहाँ पर बेरा मुताम में रुके हुए और एनोनिमस भाई ऑर्डर देने वाले। मैं एनोनिमस के लिए ऑर्डर दूंगा, ये मेरे लिए ऑर्डर देगा। चलो मेरे लिए क्या मंगवाओगे? इसके लिए मैं 3-4 कढ़ाइया मंगवाऊंगा। मेरे लिए ये रोटी के ऊपर बोटी रख देगा, मेरे लिए काफी है। नहीं नहीं, और ब्रो इसके लिए ना बोनलेस कबाब लाओ। चुप करके बैठ, रोटियां गला ना काट। अच्छा बोनलेस कबाब है ब्रो, बोनलेस यार, बोनलेस रोल, बोनलेस हांडी है, बोनलेस हांडी। हमारे भाई ने बोला है ना, देखो कितनी देर में कढ़ाई आएगी, और अभी वो हो रहे 12:42, 12:52 पर कढ़ाई इधर होने चाहिए, ठीक है? आगे 1 बजे आएगी। अनानिमस भाई टाइम क्या हो रहा था जब हमने ऑर्डर दिया? 42, अभी 54 हो रहे, 2 मिनट आगे भी। चलो कोई नहीं, 2 मिनट, 1 मिनट आने में और 1 मिनट जाने में ना, तो थोड़ा बहुत गुजारा हम लोग कर लेंगे, फिर भी बेटर है ब्रो, थैंक यू सो मच। अच्छा तो बॉयज अभी हम लोग पिंडी पहुंच गए, तो यहाँ से हम लोग जाएंगे फैजल मूवर में, क्योंकि एनोनिमस भाई को देर हो रही है, और हम लोग निकलेंगे पिशावर। पिशावर ये बाद में आएगा, अभी ये घर जा रहा है। पिशावर जाने का प्लान है ना? इंशाल्लाह। बैग वैग हम लोगों ने निकाल लिए, ठीक है, एनोनिमस भाई से मिलते हैं। और तू पश्तो में एक मेरे पीछे बोल, आपको 6 दिन बाद खुशखबरी मिलेगी। नहीं किया तो फिर नुन्नू कड़ा नहीं होगा। अब तो कर दो यार। Let's go. 47 खलीफा कप्तान, yeah, एक मिडिल क्लास बॉय, एक यूट्यूबर, एक टिकटॉकर, स्नाइपिंग वो करता था, आया था वो फॉर यू पर, राज किया था उसने लोगों के दिलों पर, चलता था यहाँ पर वहाँ उसके फॉलोअर, छोटी सी उम्र में उसने